झारखंड में रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए सुबह 7 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हुआ। वहीं गिरिडीह लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे युवा नेता जयराम महतो ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जयराम महतो ने लोगों से वोट डालने की अपील की, कहा कि घर से निकले और लोकतंत्र के उत्सव में भाग ले। विकास और बेरोजगारी को मुद्दा बताते हुए जयराम महतो ने कहा, मेरे लिए निजी तौर पर संविधान एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, गिरिडीह में अलग माहौल है, गिरिडीह की हवा और फिजा अलग है और गिरिडीह की जनता चाहती है कि जयराम महतो संसद जीत कर जाए और जो मुद्दे हैं हमारे उन्हें प्रखरता के साथ सदन में उठाए। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले लोगों से आशाएं होती थी कि जिनको हम चुन रहे हैं वो कम से कम हमारे आशानुरूप कार्य करेंगे, और अभी है कि हम जब खुद चुने जा रहे हैं तो उनसे बेहतर कार्य करेंगे। हाँ, ये तो बात स्वाभाविक है, काफ़ी कम उम्र में लोगों ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी को सौंपने का कार्य किया है और कर रहे हैं, तो हमेशा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ हैं, लेकिन हमें आशा है कि जैसे जैसे हम लोग का ग्राफ बढ़ेगा, हम लोग का अनुभव बढ़ेगा, उन चुनौतियों से निपटेंगे। जीत के प्रति तो बेहतरीन तरीके से आश्वस्त हैं, बाकी प्रत्याशियों का कोई चहल पहल नहीं है। हालांकि वो बड़ी पार्टियां हैं, उनका साइलेंट वोट हो सकता है, लेकिन ओपन वोट अगर मार्केट में किसी का है तो मेरा। जीत के अंतर क्या होगा जयराम जी? हमें लगता है 1 लाख के आसपास। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।